Mona is recording something in iPhone. You can see this is no. iPhone. This I'll is, change it I, this now. Is iPhone now. Samsung now here. She loves iPhone now. No. Samsung ki bahut badi fan hai ye. Yeah, Mona. She is my friend from Dubai. Hello. Bas ye do baj gaye ab. Sad thing ye hai ki Saqib chala gaya to Batumi. Bye bye. Bye. See you soon. Come to India. Any tips or something? Yes, I'll call you. जॉर्जिया का कुछ तो लिया है, ग्रीन कलर का आप देख सकते हो, लेमोनेड काफ़ी अच्छा है, पीने में एकदम थोड़ा स्वीट लग रहा है, बट मोई तो जैसा तो नहीं है, बट अच्छा है, नाइस। ऐसा थोड़ा जीरे का टेस्ट आ रहा है इसके अंदर। अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो ये हम लोग ने यहाँ से लिया है, ग्रीन कलर का आप देख सकते हो, जॉर्जिया का है ये, तारागोन करके इसको कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं इस रेस्टोरेंट के पास, इसका नाम है शेमो मैचा माँ समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे ट्रेडिशनल फूड मिलता है, खिनकाली मिलता है, अच्छा सा खिनकाली, मतलब वो जो डंपलिंग जैसे होते हैं इनके, और काचा पूरी हम लोग ने पर्सनली खाया था, वो भी अच्छा था, तो ये अच्छा मिलता है। चलो खा के देखता हूँ। मैंने ऑर्डर तो किया है काचा पूरी, आज भी काचा पूरी ऑर्डर किया है, कल मैंने एग वाला खाया था, आज मैंने ग्रीन्स वाला ऑर्डर किया है, और मैं मोहिता के साथ शेयर कर लूँगा, तो देखते हैं फिर कैसा होता है, खा के देखता हूँ और मैं बताता हूँ आपको एक्सपीरियंस कैसा है। तो आप सामने देख सकते हो, ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोग आए हैं खाने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट है ये ओल्ड टिब्लिसी में। और अगर आप देखोगे तो बहुत ही भीड़ है, और शाम होने वाली है, पर फिर भी कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, बाहर भी वेटिंग था, थोड़ा हम लोग रुके, उसके बाद हम लोग को मिल गई जगह। और ये सबसे पहले साकुब ने लिया था कुछ, तो एग प्लांट का डिश था ये, एंड देन ये हमारा काचा पूरी आ गया जिसके अंदर ग्रीन्स था, काफ़ी टेस्टी था ये, एंड देन लोबियो बीन्स जो खा रहा है टिल, वो भी काफ़ी अच्छा था। लोबियो बीन्स मैंने बाद में ट्राई किया था, मुझे बहुत मज़ा आया। एंड लोबियो बीन्स बेसिकली राजमा चावल होता है, हमारे यहाँ का राजमा होता है, सिर्फ चावल नहीं होता उसमें। हम लोग ने खा लिया अभी, हम लोग का लंच हो गया, काफ़ी अच्छा था। मैंने खाया था काचा पूरी, जो इस बार खाया था ग्रीन के साथ, अच्छा था, अंदर कच्चा भाजी था, पर टेस्ट अच्छा आ रहा था। ये लोग चल के जा रहे हैं ऊपर, बहुत स्टीप है ये, और यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे अपने हॉस्टल के पास, देन उसके बाद साकुब को जाना है, उसकी ट्रेन है बटूमी के लिए, एंड आई एम वेटिंग फॉर मोना, देखते कब आती है मोना। हाँ, कितना स्टीप आप देखिए, सामने चर्च दिख रहा है। बस ये दो बज गए अब। एक माइनस वन हो रहा है, एक प्लस वन हो रहा है। Bye bye. Bye. See you soon. Come to India. Sure. Will definitely. I'll have fun in Uzbekistan and send you pictures. Sure. Do it. And if you need any tips or something. Yes. I'll call you. Yeah. Bye. Bye. A few hours later. और ये मैं मिल गया मोना से, आप देख सकते हो सामने मोना है, एंड बहुत देर बाद मोना आ गई कुताइसी से यहाँ पे इन तिब्लिसी, एंड देन मोना ने जॉर्जिया पहले कर लिया कवर, वो मेरे लिए वापस से रिपीट कर रही है, एंड मज़ा आएगा, ट्रैवल करेंगे साथ में हम लोग। ओके, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, इस जगह का नाम है, मैं बताता हूँ पहले बाहर चल के, इस जगह का नाम है टिबल होम हॉस्टल, और काफ़ी अच्छा है अंदर से, पीछे देख सकते हैं ये है टिबल होम हॉस्टल। मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ उसका रीज़न है मोना, तो मोना भी हम लोग के साथ आके रुकी है, एंड अब चार लोग हो गए हम लोग वापस से। सैड थिंग ये है कि साकुब चला गया टू बटूमी, अच्छा लग नहीं रहा था, बट ठीक है, अब कल ही मिले थे हम लोग, और ऐसी फ्रेंडशिप हो गई, ऐसा लग रहा था बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। और अभी यहाँ पे मोना अंदर गई है, तो शी इज़ इनसाइड, यहाँ पे अंदर वो चेक इन कर रही है, आप देख सकते हो सामने ये उसका बड़ा बैग, एंड देन हम लोग का प्लान कुछ ऐसा है कि वो यहाँ पे एक फ़ीमेल डॉर्मेट्री में रहेगी, एंड देन यहाँ से हम लोग कल कार करके जाएंगे कस्बेगी, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कस्बेगी जाने के लिए, बिकॉज कस्बेगी इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन जॉर्जिया, तो कल जाएंगे वहाँ पे, तो देखते हैं कैसा होता है फिर प्लान, कैसे चलता है सब, कैसे काम करता है। और सामने आप देख सकते हो ये है मैथकी चर्च, जो यहाँ से दिख रहा है, और हम लोग का हॉस्टल भी ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से अराउंड 100 मीटर में रहेगा, तो मैंने उसको बोला वहाँ पे फीमेल डॉर्मेट्री नहीं था, तो शी वांटेड द फीमेल डॉर्मेट्री, सो वो चली गई अंदर चेक इन करेगी। वी आर रिकॉर्डिंग यू, से दैट अगेन, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, यू मार्टिन, नाइस टू मीट यू, बाय बाय, गुड डे।
So Mona is recording something in iPhone. You can see this is no. iPhone. This is you can see this I'll is change it this now, is iPhone now. Samsung now here. She always used to use Samsung. Now she has shifted to iPhone. No. That is pretty strange to me. Minutes. No. She loves iPhone now. No. तो मोना को भी अभी आईफोन एक्चुअली इसको सैमसंग की बहुत बड़ी फैन है ये इसको सैमसंग अच्छा मोना शी इज़ माई फ्रेंड फ्रॉम दुबई एंड यू कैन से हाई टू माई ब्लॉगर्स या सो हम लोग मिले थे हॉस्टल में दुबई में इन हॉस्टल वेर जहाँ पे मैं रुका था मेरी दुबई की ट्रिप में और वहाँ से हम लोग की दोस्ती हो गई एंड अब हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं साथ में जॉर्जिया में और भी फ्रेंड्स हम लोग का वेट कर रहे हैं तो चलो चलते हैं उनसे मिलते हैं और देखिए ये शूट कर रही है आईफोन से ये हमेशा आईफोन को गाली देती थी पहले एंड आज आप देख सकते हो आईफोन से ही शूट कर रही है बंदी तो सैमसंग को छोड़ दिया इसने सैमसंग करती थी जूम करती थी और अब आ गई है आईफोन में वो भी वही वाला जो मेरे पास है और आप देख सकते हो ये सड़कें हैं ओल्ड टिबलिसी की और काफ़ी ज़्यादा सुंदर शहर है ये एंड बहुत ही क्लीन भी है मुझे काफ़ी अच्छा लगा उसके बाद हम लोग खाने के लिए एक जगह पे आ गए एक्चुअली हमने तो खाना खा लिया था बट मोना ने नहीं खाया था वो डायरेक्ट कुताइसी से एक टिबलिसी आई थी बाय बस तो हम लोग बोले कि चलो फिर खाने के लिए कुछ जाते हैं तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में हम लोग मोना के लिए खाने के लिए एंड देन यहाँ पे हम लोग ऊपर चले गए बिकॉज ऊपर से काफ़ी अच्छा व्यू आता है पूरे के पूरे ओल्ड टिबलिसी का एंड यहाँ पे देन इंडोर सेटिंग्स भी था और आउटडोर सेटिंग्स भी था तो हम लोग बोले कि चलो आउटडोर में जाके बैठते हैं आराम से खुले में और खाने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए अब खाने का मैंने व्लॉग किया नहीं है तो दिखा नहीं पाऊंगा A few hours later. तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं कार के लिए हम लोग ने कार की बहुत सारी कंपनी से बात की है उसमें से एक कंपनी एक हम लोग अच्छी लगी उसमें प्राइस भी अच्छा मिल रहा था हम लोग एक बड़ी कार थी बिकॉज हम लोग चार लोग हैं और बड़े बड़े सूटकेस भी है तो हम लोग अभी जा रहे हैं एक रेंट अ कार इन टिबलिसी की तरफ तो यहाँ से थोड़ा दूर है 33 मिनट्स वॉक है तो ये सामने आपको जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा राइक पार्क है थोड़ा लेट आया मैं शाम हो गई है शाम नहीं बोल सकते रात ही हो गई है अच्छा लग रहा है पूरा ओल्ड टिबलिसी का शहर पीछे दिख रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो चेहरा अच्छे से नहीं आएगा बिकॉज थोड़ी रात हो गई है बट देख सकते हो आप कितने अच्छे अच्छे जगह है यहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने के लिए मैंने बुलाया 9 बजे और अभी यहाँ पे टिबलिसी में टाइम हो रहा है कुछ अराउंड 7:30 तो हम लोग अगर इसको वॉक करके भी जाते हैं 8 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम लोग तो मोस्टली हम लोग ट्राई करेंगे कि कार खुद जाके ले दैट इज़ बेटर अगर उसको बोलेंगे यहाँ पे लाने के लिए तो शायद मुझे लगता है खुद जाके लेना बेटर होगा तो जाके लेते हैं हम लोग एक बड़ी मित्सुबिशी की कार ले रहे हैं और आप देख सकते हो सामने ये ओल्ड टिबलिसी का शहर है रात में कितना अच्छा लगता है पूरा का पूरा लाइटें जल जाती है लाइट जलने के बाद एकदम मैजिकल सा लगता है ये गोप्रो में इतना अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ है बिकॉज लो लाइट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता गोप्रो बट बहुत ही सुंदर है टिबलिसी का शहर रात को तो हम लोग ने डिसाइड किया कि चल के चले जाते हैं और ये एक स्ट्रीट है यहाँ पे सामने आप देख सकते हो वो ट्रिनिटी चर्च जो बहुत फेमस है तो देखते हैं वहाँ पे भी जा अगर पाए तो जाएंगे बीच में थोड़ा रुक रुक के कुछ खा लेंगे क्योंकि 9 बजे उसने बुलाया और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 7:51 देन बाद में हम लोग एक सुपरमार्केट में आ गए आप देख सकते हो सामने ये सुपरमार्केट के एक सेक्शन में आ गया मैं खाने के भूख लग रही थी बहुत मुझे तो यहाँ पे बहुत कुछ है बहुत कुछ ऑप्शंस अवेलेबल थे खाने के बट मोस्टली यहाँ पे नॉन वेज ही था एंड देन ये आंटी ट्राई कर दी मुझे बताने का कि ये चिकन है चिकन खा सकते हो उनको लगा मैं इंडियन हूँ तो चिकन तो खाऊंगा बट मैं तो चिकन भी नहीं खाता एंड देन फिर मुझे एप्पल दिखा बहुत अच्छा सा टेस्टी लग रहा था तो मैंने बोला चलो एप्पल ले लेते हैं एप्पल ही खा के गुजारा करेंगे ये जो जगह है हम लोग जहाँ से जा रहे हैं आप देख सकते हो काफ़ी डेजर्टेड है और अंदर की कोई रोड पे हम लोग और यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं दिख रहा है सिर्फ मैं और टेल दो ही टूरिस्ट है यहाँ पे चलो जाते देखते हैं आगे आगे जाके देखते हैं और क्या क्या है थोड़ा और चलना है एप्पल काफ़ी मीठा है बहुत सस्ता भी है यहाँ पे एप्पल ये एक एप्पल 15 रुपये का आया इंडिया से सस्ता है इंडिया में बहुत हाई रेट चल रहा है 5 एप्पल में 300 रुपये की खरीद रहा था और 15 रुपये में इतना अच्छा टेस्टी एप्पल था कार कंपनी के पास एंड दिस प्लेस इज नोवेयर लाइक आउट ऑफ नोवेयर ये बहुत ही एक सिक्योरिटेड जगह है आप देख सकते हो सामने गाड़ियाँ चल रही है बहुत ही मतलब कोई यहाँ पे कोई आपको एक टूरिस्ट नहीं दिखेगा ना ही कोई यहाँ पे ट्रैवलर है कोई भी नहीं है सिर्फ हम दोनों हैं टिल और मैं और हम लोग यहाँ पे आए हैं कार पिक करने के लिए हम लोग ने सोचा कि जाके लेना बेटर होगा और कार एक बार हाथ में आ गई तो हम लोग फिर ड्राइव करके कहीं पर भी जा सकते हैं तो शाम के बज रहे 8:30 एंड अभी हम लोग ने बहुत कुछ खाया मैंने एक एप्पल खाया चिप्स खाया देन बनाना खाया बहुत कुछ खाया एंड देन यहाँ पर कोई एक होटल है होटल शाथेल पता नहीं कौन सी है सो फाइनली हम लोग को कार मिल चुकी है आप देख सकते हो यहाँ पे सामने ये है हम लोग की कार या
एंड या आई विल पुट योर सो यहाँ से हम लोग को कार मिल गई है. इसका टोटल लिया इन लोगों ने 340 लारी और आप देख सकते हो सामने चिल उससे बात कर रहा है. एंड यहाँ पर लाइट अच्छी नहीं इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाऊँगा. हेलो वी आर नाउ इन कार. वी जस्ट गॉट दिस वन फॉर टू डेज एंड देन गाड़ी लेके हम लोग निकल पड़े ओल्ड टिबलिसी की तरफ. हमने सोचा था कुछ एक दो जगह कवर करेंगे बट लेट हो गया था और सुबह जल्दी भी उठना था तो हम लोग वापस से रिपब्लिकन स्क्वायर से होते हुए आ गए ओल्ड टिबलिसी पे. हम लोग यहाँ पे आ गए अभी ओल्ड टिबलिसी में. आप सामने देख सकते हो कार पार्किंग कर दी है हम लोग ने. यहाँ पे ना कार पार्किंग का ऐसा यहाँ पे लिखा है कि हर एक घंटे का आपको एक लारी पे करना पड़ेगा इस एरिया में क्योंकि यहाँ पे कार पार्किंग फ्री नहीं है. और आप यहाँ पे से ऐसे मशीन में देख सकते हो यहाँ से आप ले सकते हो. यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ. यहाँ पे इंग्लिश में क्लिक किया आपने ट्रांसपोर्ट में क्लिक किया और यहाँ पे आप सर्विस में क्लिक कर सकते हो पार्किंग फीस. और पार्किंग फीस में टिबलिसी पार्किंग में जा सकते हो आप एंड देन टिबलिसी पार्किंग के क्लिक करके रजिस्टर इन टिबलिसी में जा सकते हो. देन फॉर न्यू नंबर फोन नंबर जो भी आपका है आप डाल के यहाँ पे इजीली एक टोकन ले सकते हो और फिर आपको एक ऐसे मैसेज आ जाएगा. मैं आपको दिखाता हूँ. ऐसा मुझे एक मैसेज आ गया कि मैंने 11 लारी पे किया 11 घंटों के लिए. तो आप ऐसे कर सकते हो और यहाँ पे इजीली पार्क कर सकते हो. तो पार्किंग करना है तो आप सबसे पहले ये ले लेना टोकन क्योंकि बाद में ये लोग आपको फाइन लगा देंगे अगर आपने पार्किंग का टिकट नहीं लिया. तो चलो अभी चलते हैं. मोना वेट कर रही है जाके कुछ खाते हैं एंड फिर सोते हैं सुबह जल्दी उठता है. और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे शो चल रहे हैं अलग अलग परफॉर्मेंसेस हो रही है. तो बेसिकली रात को यहाँ पे ओल्ड टिबलिसी के मेन स्क्वायर पे ऐसा चलते रहता है. अलग अलग लोग अपने टैलेंट को शोकेस करते हैं यहाँ पे और बहुत सारी भीड़ होती है. मस्त मज़ा आता है. अगर आपको देखना है ऐसा शोज तो आप आ सकते हो शाम को यहाँ पे. What do you know आपका anything? नाम in, क्या है? आपका नाम क्या? And what else? जिंदगी. जिंदगी yeah means life. जिंदगी means life yeah. Means life is good. मतलब. I know like words you know. Yeah that's good. Thank you. तो इस रेस्टोरेंट में हम लोग आए बट यहाँ पे मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो हम लोग ने सोचा चलो कुछ ऐसे लेते पीने के लिए पीते हैं एंड पी के जाते हैं फिर घर पे. बैठा हूँ अभी फिलहाल डिनर करने के लिए और डिनर में से खींच किया नहीं है मैंने. मैंने सोचा था कुछ लूँगा यहाँ पे पर मुझे कुछ पसंद नहीं आया. देन मैंने यहाँ पे ये जूस लिया है. ये है पियर का अरोमा वाला जूस. इसको लेमोनेड कहते हैं इधर. और ये मोना ने लिया है. इसमें एक्चुअली सपेरावी अरोमा है मतलब ये वाइन के कलर का है. देख सकते हो आप कलर इसका कैसा है. और ये है बियर के कलर का पर इसमें से कुछ भी वाइन और बियर नहीं है. तो हम लोग ये पी रहे हैं. हाउ इज़ इट? नॉट सो गुड बिकॉज वी जो इसने पहले पिया है वो नेचुरल वाला था और ये लेमोनेड मतलब जो है थोड़ा सा आर्टिफिशियल जो हम लोग पीते कोक जैसा वैसा है. तो ये वाला थोड़ा बेटर है पियर वाला. वो वाइन वाला इतना अच्छा नहीं है. तो गाइस मैं आज का ब्लॉग इसी यहाँ पे एंड इस पॉइंट पे एंड करूँगा. कार पिक करने के लिए हम लोग ऑलमोस्ट लाइक 3-3.5 किलोमीटर चल के गए थे मैं और टेल. तो कल से शुरू होगा अपना एक बहुत ही एक्साइटिंग ट्रिप ऑफ गोदावरी और कस्बे की. तो मैं आपसे कल मिलूँगा. तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ. तो तब तक के लिए साइन आ रहा. अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए इस ब्लॉग को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स. सो बिकॉज मैं न्यू यूज़फुल ट्रिप्स देते रहता हूँ अबाउट योर ट्रिप टू जॉर्जिया और अजरबैजान का भी आप व्लॉग देख सकते हो और दुबई का ऑब्वियसली आप देख सकते हो. देन यू कैन ऑल्सो सी माई सिंगापुर व्लॉग्स मलेशिया व्लॉग. तो अगर आप कभी भी ट्रैवल करोगे तो आप इजीली देख सकते हो. तो आज के लिए इतना ही गाइस. फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सही लग रहा है. यहाँ पे आप आराम से आके 20-25 मिनट या आधा घंटा भी स्पेंड कर सकते हो. उसका रीज़न ये है ये बनाया गया है एक सेलिब्रेशन के तौर पे. आप देख सकते हो मेरे पीछे इतना बड़ा स्ट्रक्चर है. तो ये बनाया सेलिब्रेशन के लिए. किसका सेलिब्रेशन? तो 3000 ईयर्स होने के बाद जॉर्जिया को इसको बनाना शुरू किया गया और क्रिश्चियनिटी के एग्जैक्टली 2000 साल बाद. ओके सो अभी हम लोग ने जवेरी मॉनेस्ट्री ख़त्म कर लिया है.